चैनल का एक मेंबर। और आज मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं जाने वाला हूँ अमित परिमल जी का घर। और चलिए चलते हैं, मैं अभी सीतामढ़ी बस स्टैंड में बस में मैं अभी देख सकते हैं आप लोग की बैठे हुए हैं। और यहाँ से निकलेंगे दोस्त, और यहाँ से निकलने के बाद मुजफ्फरपुर पहुँचकर आप लोगों से बात करते हैं कि आप लोगों को भी पता चले कि अमित परिमल जी का घर कौन सा गांव में है और कहाँ पे है। तो आप लोग मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखेगा और स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आज कैसे हम वहां तक पहुंचते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं बस में बैठ चुका हूं और यहां से निकलते हैं और आप लोगों को मुजफ्फरपुर में उतरते ही मैं आप लोगों को वहां से मैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ें और आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि दोस्तों यही काम करके हमें जब खुशी मिलती है कि आप लोगों के बीच कुछ दिखाएं, तो यही काम हम लोग करने में लगे हैं और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस सपोर्ट कीजिए। और चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को कि अमित परिमल जी का घर कहाँ पे है और मुजफ्फरपुर से कितना दूर है, क्योंकि हमें भी अभी तक कुछ मालूम नहीं है। और मैं अभी यहाँ से मैं निकल चुका हूँ और मतलब कि जाने वाला हूँ उनके घर, तो उनके घर पहुँच कर और आप लोगों को दिखाता हूँ। वीडियो में पूरे बने रहिए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आपका भाई कैसे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ से बस खुल चुका है और मैं निकल चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि गाड़ी चल रहा है और सवारी लोग आगे में बैठे हैं और यहाँ से चल चुके हैं दोस्तों। तो आगे चल कर और आप लोगों को दिखा, देखिए हम यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं। कौन सा पुल है बाबा? पिलखी पुल। ये पिलखी पुल, और हम अमित परिमल जी के घर जाने के लिए आए हुए हैं, अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं। सुबह से दरभंगा से चले थे तो अभी शाम हो गया है, हमको देखा नहीं था। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को वहाँ पे पहुँचने के बाद अमित परिमल भैया जी का घर कहाँ पे है, वही चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। और बाबा अमित परिमल जी का गांव में आ चुके हैं और यहां से हमको थोड़ा रॉन्ग रूट बता दिया गया था तो मैं भटक गया था उधर। और ये छोटा भाई हमको मिला है और साइकिल से जा रहा है छोड़ने के लिए, हेल्प करेगा थोड़ा। और चलिए चलते हैं वहां तक पहुंचते हैं। बहुत ज़्यादा दूर है क्या भैया? चलिए तो थोड़ा दूर है और चलिए चलते हैं और वहाँ पर चल कर और उनसे बात जो भी होगा वो करेंगे। फिलहाल चलिए चलते हैं। कष्ट नहीं ना कोनो? भैया अमित परिमल भैया के साथ अभी खड़े हैं, इनके घर के पास हैं। और इधर भैया आपका भी वीडियो बहुत देखता हूँ आप लोगों का, मतलब कि एक तरीके से मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। चलिए थैंक यू, बहुत दूर से आए हैं, मधुबनी से आए हैं मुजफ्फरपुर और शाम हो गया है तो हम लोग कहीं और निकल रहे हैं, इसीलिए इनको बस पकड़वा देते हैं और अच्छे से घर पहुंच जाएंगे। और नंबर ले लेते हैं, जाइएगा घर पर तो कॉल कर देते हैं। गोले हैं बाइक से, पापा नहीं कहा भैया क्या क्या सा करना पड़ेगा। देखिए जुनून है आपके अंदर, जुनून। देखिए हम नंबर ले लेते हैं, अगर आपको क्या चाहते हो हम कभी भी बुला लेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, क्योंकि भैया मैं तो यही के लिए आया था कि अगर नंबर अगर काम मिल जाता तो हमें। चलिए ठीक है, हम बताते हैं, हम अपने टीम से बात करेंगे, उसके बाद आपको कॉल आएगा। ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट कोई शूट होगा तो उसमें आपको कॉल। तो अभी अमित भैया के घर पे अभी हम फिलहाल तुरंत अभी पहुंचे हैं और यहां से भैया अभी कहीं जा रहे हैं तो यहां से हमें भी निकलना पड़ेगा। भैया लोग बोले हैं कि छोड़ दे रहे हैं यहां मुजफ्फरपुर टोल प्लाजा के पास। भैया है एन एच 57 जानते हैं? जी जी, वो एन एच 57 डायरेक्ट आपको दरभंगा ही लेकर जाएगा। तो चलिए वहाँ तक अगर भैया ड्रॉप कर देते हैं तो, और भैया 500 रुपया दिए हैं भाड़ा किराया के लिए, क्योंकि क्या बताएं बहुत ज्यादा। चलिए चलते हैं। तो साले, कभी मगर माफ करना। और अमित भैया
कहीं जा रहे हैं भाई, भी ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया अपना, तो भाई अपने चैनल का नाम बता दीजिए, हम तनका अपन का प्रमोशन कर दें। भैया मेरा चैनल का नाम तांडव किंग वर्ल्ड है। अच्छा भाई, आप ऐसे ही तांडव करते रहिए और जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने कामों में और काम करके जबरदस्त रहिए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मतलब जा रहे हैं आलोक भैया, तो आलोक भैया बतलाइए कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, आपको किसने बोला गाड़ी में बैठने के लिए, या किसी भी कहीं भी जाते हैं लोग तो आप गाड़ी में पहले आकर क्यों बैठ जाते हैं? सबसे पहले गेट खोल के आपको फेंक देंगे, सारा सवाल का जवाब। अच्छा चलिए, हम आपसे नहीं पूछेंगे। तो दोस्तों देखिए, और यहाँ पे अमित भैया और सरवन भैया और इनके सारे टीम आए हुए हैं हमें छोड़ने के लिए, और यहाँ से भैया लोग यहाँ से हमें बस पकड़वा देंगे दरभंगा के लिए, और हम लोग अभी देखिए रास्ते पे खड़ा हैं, और चलिए यहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं फिर आप लोग। ठीक है भैया, चलते हैं। ठीक ठीक ठीक, जाइए जाइए जाइए, ठीक है।